रायपुर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान रायपुर ग्रामीण प्रत्याशी मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। विजय बघेल ने कहा कि जनता का भरोसा हमारे घोषणा पत्र पर है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ कांग्रेस ने फरेब किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए और हमने एटम बम फोड़ा। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी नकल कर कांग्रेस घोषणा पत्र लाए है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बनावटी घोषणा पत्र है। जो देखे ना, उनके खुद उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आखिरी उनका वक्तव्य जब विधानसभा का आखिरी जो सत्र था उसके बाद का, कि 12 हम किए ही नहीं, वो खुद ही महसूस कर रहे हैं और उसमें शराब को कोट कर रहे हैं क्योंकि गंगा जल की कसम खाई थी। तो ये सब झूठी बातें। ये लोग कहा करते थे कि हम 17, ये इनके अभी मुख्यमंत्री जो अधिकार विहीन मुख्यमंत्री कहूँ उसको, क्योंकि अभी अधिकार तो है ही नहीं है, काम चलाओ मुख्यमंत्री बैठे हैं और बड़बोलापन इतना कि 17 हमने बोल दिया, ये लोग कभी एक भी नहीं आया भाजपा वालों। उसी समय मैं बोला था, बहुत सारे चैनलों में मेरा वक्तव्य आया था कि ये लोग कुर्सी बम फोड़ रहे हैं, हमारा एटम बम आएगा। और माननीय अमित शाह जी आए और हमने एटम बम फोड़ा और ये भौचक रहेगा, क्या करें कैसा करें। हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोग आज ये 2 पन्ने का घोषणा पत्र नकल करके लाए। देखिए 2 पन्ने का, और नकल में भी अकल होनी चाहिए, लेकिन ये पूरा हमारा डाटा निकाले, बाजू में कोई ऑफिस बैठ गए, अकबर जी नहीं बनाए इनके।